स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 है, तो आइए इसके एक एक प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यहाँ पर दे रखा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट है जो किस पर चढ़ रहा है, इस 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, यानी ये जो रस्सी है ये पूरी तरह से कसी हुई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, यानी ये एक वर्टिकल पोल है, इस पोल के टॉप से ये 20 मीटर लंबी रस्सी कसी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी इस पोल की हाइट को हमें फाइंड करना है, हम इसको क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये आपका क्या है, ये आपकी ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो देखिए, इस सवाल को हल करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि हमें कितना गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको एक साइड और एक एंगल गिवन है, यानी इस ट्रायंगल में जो हाइपोटन्यूस है, यानी इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो रही है, ये वाली साइड हाइपोटन्यूस है और ये सारी साइड बेस है। तो इस हिसाब से हमें मालूम क्या क्या है, सिर्फ हाइपोटन्यूस मालूम है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूस किस में आता है, ये आता है हमारा साइन वाले रेशियो में, यानी यहाँ पर जो रेशियो लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला वो साइन 30 डिग्री लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे इन गिवन पोल, इन गिवन फिगर ए बी इज द पोल एंड ए सी इज रोप, और फिर इन ट्रायंगल ए बी सी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देंगे जो कि लगेगा साइन, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, साइन 30 होता है 1/2, परपेंडिकुलर यहाँ पर फाइंड करना है और हाइपोटन्यूज 20 दे रखा है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इक्वल्स टू 20, यानी h इक्वल्स टू हो जाएगा 10, यानी जो हाइट ऑफ पोल होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दे रखा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट, मतलब कह रहा है कि ये एक कोई पेड़ था, तो हमने मान लिया कि ये पेड़ आपका एसी था, क्या हुआ, आंधी चली और आंधी की वजह से ये पेड़ जो है पॉइंट बी से ब्रेक हो गया और इसका सिरा जो है वो पूरा टर्न होके कहाँ पर आ गया, जमीन को टच होने लगा। तो ये मान लेते हैं ए था, अब ये टच होके क्या बन गया, ए डैश बन गया। तो और साथ में क्या कर रहा है, जो पार्ट टच कर रहा है वो पार्ट जो है इस बचे हुए रिमेनिंग पार्ट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। तो हमको इस केस में हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, यानी हाइट ऑफ ट्री अगर हम देखें तो जो टोटल हाइट होगी वो यहाँ पर ये होगी बी सी प्लस ए डैश बी, यानी इन दोनों लेंथ को हमें फाइंड करना होगा। तो अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन खाली एक चीज़ है, वो है ए डैश सी, ए डैश सी केवल 8 मीटर दे रखा है और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जो एंगल ए दे रखा है, सॉरी एंगल ए डैश जो है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से पहले एक साइड ये निकालेंगे फिर ये साइड लगाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सा रेशियो लगेगा, उसके लिए हम इसे परपेंडिकुलर मान लेते हैं, 30 के सामने वाला ये 90 के सामने वाला हाइपोटन्यूस हो गया और ये जो बची हुई तीसरी साइड थी वो बेस हो गई। तो अब हम पहले इस साइड को निकालने का प्रयास करते हैं, यानी साइड बी सी निकालेंगे। तो इसके लिए हमें मालूम क्या है, बेस मालूम है, अगर बेस मालूम है और परपेंडिकुलर निकालना है, यानी बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बना, यानी इस केस में हम लोग 10 वाला रेशियो लगाएंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डैश बी सी, सबसे पहले लगाइए 10, 30 इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर हमें फाइंड करना है और नाम क्या है उसका, बी सी, और बेस आपको दे रखा है 8, तो 10, 30 होता है यहाँ पर 1/√3 इक्वल्स टू बी सी अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा
रूट थ्री बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 8, तो बी सी इक्वल्स टू हो गया 8 अपॉन रूट थ्री। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये साइड निकालनी है। तो यानी अगर बेस मालूम है और हाइपोटन्यूज निकालनी हो तो बेस और हाइपोटन्यूज किस में लगेगा, कॉस थीटा लग जाएगा। यानी अब हम इसी ट्राइंगल में दूसरा रेशियो लगा देंगे जो कि कॉस 30 लगेगा। तो कॉस 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, और बेस यहाँ पर कितना दे रखा है 8, और हाइपोटन्यूज हमको फाइंड करनी है जिसका नाम है ए डैश बी। कॉस 30 होता है रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू इक्वल्स टू 8 अपॉन ए डैश बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री ए डैश बी इक्वल्स टू 16, यानी ए डैश बी जो है 16 अपॉन रूट थ्री हो गया। तो अब जो टोटल हाइट है, जो टोटल हाइट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी इसका यानी बी सी इक्वल्स टू 8 अपॉन रूट थ्री और ए डैश बी इक्वल्स टू 16 अपॉन रूट थ्री का सम हो जाएगी। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट के लिए एच इक्वल्स टू दोनों को जोड़िए तो क्या हो गया 8 रूट थ्री प्लस दूसरी साइड ए डैश बी है 16 अपॉन रूट थ्री। तो एलसीएम यहाँ पर कितना हो गया, रूट थ्री एलसीएम हो गया। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 16, यानी हाइट आ गई 24 अपॉन रूट थ्री। तो प्रयास करिए कि जो रूट टू का टर्म है वो नीचे ना रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 रूट थ्री अपॉन थ्री, थ्री से डिवाइड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 रूट थ्री मीटर। यानी हाइट ऑफ ट्री कितनी हो गई, हेंस द हाइट ऑफ ट्री इज 8 रूट थ्री मीटर। इस टाइप से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट एन एंगल ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए जो झूला है वो करीब उसकी हाइट वो कितने रखना चाह रहा है, 1.5 मीटर रखना चाह रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री रखना चाह रहा है। और जो बड़े बच्चे हैं एंड फॉर वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट एन एंगल हाइट ऑफ 3 मीटर और एंगल कितना रखना चाह रहा है 60 डिग्री। और हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। मतलब ये जो स्लाइड है ये दोनों केसेस में हमको फाइंड करनी है। तो ये मान लो केस फर्स्ट है आपका, इस केस फर्स्ट में जो हाइट है वो 1.5 हो गई, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया, इसको फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं ये स्लीप कितना है, L1 है। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल जो है इसमें देखिए, इसमें ये कितना दे रखा है 3 मीटर, और इस स्लाइड ये जो है इस लेंथ को हमें फाइंड करना है, हम इसे L2 मान लेते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो अब एक एक करके हम दोनों केसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को देखेंगे, यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर गिवन है, बेस ये बना, हाइपोटन्यूज ये हो गया, यानी इस केस में हमको परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटन्यूज फाइंड करना है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज जो होता है वो हमारा बनता है साइन वाले रेशियो में। तो हम इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ABC। अब इसमें साइन वाला लगा दीजिए, साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 1.5 है, हाइपोटन्यूज हमने कितना मान रखा है L1 जो कि हमें फाइंड करना है, और साइन 30 जो है वो 1/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1.5 इंटू 2, यानी ये हो गया 3 मीटर। तो पहले वाले जो स्लाइड है उसकी लेंथ हमको फाइंड, मतलब हमारी पहली वाली स्लाइड की लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब हम केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में जो है इसमें भी वही हाल है, इस ये हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये वाला हाइपोटन्यूज है और ये वाला बेस है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर इसमें साइन लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटन्यूज जो है निकालना है, यानी इसमें भी साइन 60 लग जाएगा। साइन 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, और साइन 60 होता है रूट थ्री अपॉन टू, परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया 3 अपॉन एच हाइपोटन्यूज, इसको L2 रख लीजिए। तो रूट थ्री L2 इक्वल्स टू 6, यानी L2 इक्वल्स टू 6 अपॉन रूट थ्री। रूट थ्री से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए क्योंकि नीचे रूट थ्री रखना ठीक नहीं है। तो ये हो गया 6 रूट थ्री अपॉन 3, यानी ये कैंसिल होके क्या आ गया, 2 रूट थ्री मीटर।
यानी जो हमारी स्लाइड थी उस पहले केस में 3 मीटर है और उसके बाद दूसरी केस में जो लेंथ है स्लाइड की वो कितनी आ गई, 2√3 मीटर। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर का मतलब होता है, अगर ये मान लीजिए टावर है तो ये इसका फुट कहा जाता है, तो इस फुट से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर। ये हम मान लेते हैं टावर है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो इस टावर की हाइट हमको फाइंड करनी है, तो h मान लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ABC, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, कितना दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो अब देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें, हमें इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में लगता है, टेन वाले में, तो हम इसी ट्रायंगल में टेन 30 लगा देंगे। टेन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन ये हो जाएगा 1/√3। परपेंडिकुलर कितना मान लिया हमने, h मान लिया है, और बेस हमारा 30 दे रखा है, तो h√3 इक्वल्स टू 30, यानी h इक्वल्स टू हो गया 30/√3। रिस्लाइस कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया 30√3/√3 हो गया, यानी ये क्या हो गया 10√3, यानी जो हाइट हुई, यानी हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 10√3 मीटर। इस टाइप से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस सवाल को भी देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू ए परमानेंट पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी ये काइट है जो कहाँ पर उड़ रही है, मान लेते हैं ये काइट है आपकी, ये काइट जो है जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब देखिए द स्ट्रिंग इज अटैच्ड, यानी ये जो काइट है इससे ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, यानी ये स्ट्रिंग दे रखी है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, तो ये इंक्लिनेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हम मान लेते हैं स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L है, ये लेंथ हमको फाइंड करनी है। अज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, नो स्लैक का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल तनी हुई डोरी है, इसमें कोई भी मोड़ नहीं है। तो अब इसमें देखिए हमको फाइंड क्या करना है, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटन्यूज हमें फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज किस में जाएगा, साइन वाले रेशियो में जाएगा। तो आप इंटर एंगल इसका नाम रख लीजिए, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो इंटर एंगल ए बी सी कौन सा रेशियो लगाएंगे परपेंडिकुलर हाइपोटन्यूज में, साइन वाला, साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, तो साइन 60 होता है हमारा 3/√2, परपेंडिकुलर यहाँ पर है 60 और हाइपोटन्यूज हमने एल मान लिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 L इक्वल्स टू 120, तो L इक्वल्स टू 120/√3। रेसलाइज कर दीजिए, तो ये हो गया 120√3/3, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 40√3। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई 40√3 मीटर आ गई। तो इस टाइप से सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर दे रखा है ए 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग, यानी एक कोई 30 मीटर की बिल्डिंग है, हम मान लेते हैं कौन सी है PQ, ठीक, इससे कितनी दूरी पर, कुछ दूरी पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये मान लेते हैं ऑब्जर्वर, जो इसके टॉप को देख रहा है। जब इसके टॉप को देख रहा है तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो हम इस टाइप से, क्योंकि हम इसको इसलिए नहीं मिलाएंगे क्योंकि इस समय जो है इसकी हाइट को दे रखा है इस सवाल में, और जब किसी सवाल में ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी जाएगी तो हम उसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, तभी हमने इसकी हाइट को यहाँ पर मेंशन किया है। तो एक ऑब्जर्वर था जिसकी हाइट कितनी दे रखी थी 1.5 मीटर दे रखी थी, वो किसी 30 मीटर, ये जो बिल्डिंग है ये कितनी बड़ी है 30 मीटर ऊंची है, इस बिल्डिंग को वो देख रहा है किस एंगल ऑफ एलिवेशन से 30 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहाँ पे लाइन ऑफ साइट को मिलाना
बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये मिला लिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद वो ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। जब बिल्डिंग की तरफ जाता है तो एंगल ऑफ उसका जो एलिवेशन है वो कितना बन जाता है, 60 डिग्री। तो अब ये कहाँ पहुँच गया, अब ये यहाँ पहुँच गया। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। एक बात और बता दें कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ओर जाते हैं उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, जितना ही ऑब्जेक्ट से दूर रहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। तो यहाँ पे दूर था तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कम रहा, थोड़ा पास हो गया बिल्डिंग के तो उसको आँखों को ज़्यादा चढ़ाना होगा, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमने फाइनली फिगर ये बना लिया, हमने क्या मान लिया कि ये 1.5 मीटर ऑब्जर्वर की हाइट है और वो पहले इस बिल्डिंग को देख रहा है। बिल्डिंग की टोटल ऊंचाई कितनी है, 30। तो इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और बाद में कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अब हम जरा देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक छोटा ट्रायंगल लेंगे। हमें मेन क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। और अभी हम हर मामले में अननोन है, बस हमें इतना पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक की 1.5 है तो ये भी 1.5 हो गया, तो ये 1.5 हो गया, तो ये वाली हाइट कितनी हो गई, 30 में से आप माइनस कर दीजिए, तो 30 में से अगर आप 1.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 28.5 मीटर। यानी अभी आपके पास केवल ये हाइट मालूम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके ये डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। जब ये डिस्टेंस आ जाएगी फिर क्या करेंगे, बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे। बड़ा वाला जब ट्रायंगल लेंगे तो उसमें हम इस डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे, यानी पूरी ये वाली जो डिस्टेंस है AR को फाइंड कर लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हमको ये डिस्टेंस चाहिए तो इस डिस्टेंस से पूरी AR को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा वो आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल PBR। अब जरा देखिए, इस एंगल के हिसाब से हमको मालूम क्या है, परपेंडिकुलर मालूम है, और फाइंड क्या करना है, बेस। तो अगर बेस फाइंड करना है और परपेंडिकुलर मालूम है तो कौन सा रेशियो लग जाएगा, इसमें लग जाएगा टेन, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहां पर है 28.5, और बेस हमको फाइंड करना है। बेस का नाम हम लिख लेते हैं BR, और 1060 होता है √3, यानी BR इक्वल्स टू हो गया 28.5 अपॉन √3। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, यानी PAR वाला ले लेंगे। इसमें रेशियो लगाते हैं इन ट्रायंगल PAR, इसमें भी वही हाल है, परपेंडिकुलर गिवन है और ये पूरा बेस निकालना है, यानी फिर से लगा दीजिए 10, लेकिन अब 30 हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर हो गया 28.5 और बेस कितना है AR, 1030 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन AR। तो जब सॉल्व करेंगे तो AR इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5√3। एक काम करिए, यहाँ पर रूट थ्री नीचे है तो इसको रेशलाइज भी कर लेते हैं, तो इसको अभी फर्स्ट नहीं मानेंगे, इसको रेशलाइज कर लेते हैं, रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 28.5√3 अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा 3 9 या 27, 3 5 या 15, यानी 9.5√3, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो अब हमें BR मतलब कितना, ये चीज़ मालूम हो गई है, और AR मतलब ये पूरी यहाँ से मालूम हो गई। अगर हम इसको घटा दें तो डिस्टेंस ट्रेवल मालूम हो जाएगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है हमारी कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी वो हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AR माइनस BR। अब AR देखिए कितना दे रखा है, AR है 28.5√3 माइनस BR कितना निकाला है, 9.5√3। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19√3, यानी ये जो ऑब्जर्वर था ये कितनी डिस्टेंस चला, 19√3। और एक चीज बता दें, अगर सवाल में रूट थ्री की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप उसको सॉल्व नहीं करिएगा, आप सिर्फ यहीं पर इसको छोड़ देंगे।
इस क्वेश्चन में दे रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो है वो कितनी है, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 मीटर, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, उस टावर का किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ कहाँ का, उसके टॉप और बॉटम का, यानी ये बॉटम है और ये टॉप है, तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन जो कम है, ये कोण कम दिख रहा है तो इसको क्या मानेंगे 45, और इसको क्या, ये ज़्यादा दिख रहा है तो इसको कितना मानेंगे 60। तो हमको क्या निकालना है, इस टावर की हाइट को निकालना है, इसके अलावा इस सवाल में कुछ नहीं दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फेयर फिगर बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो आपका टावर है वो ए बी है, बिल्डिंग जो है वो बी सी है, और कितनी दे रखी है 20 मीटर। ये एक पॉइंट डी है, इस डी पर ऑब्जर्वर इसके टावर के बेस को जब देखता है तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45, और इसका कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, यानी ये 45 है और ये 60 डिग्री है। तो अब देखिए इस फिगर को हम ध्यान से देखें, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस टावर की हाइट हम मान लेते हैं h, इसको हमें फाइंड करना है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। सबसे पहले ये छोटा वाला, ये हाइट तभी आ सकती है जब कुछ और मालूम हो, यानी या तो ये मालूम हो या ये मालूम हो। तो हमारे पास क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये 20 मीटर दे रखा है, हम इस 20 मीटर की मदद से ये वाली साइड यानी डी सी को फाइंड कर लेंगे। जब हमारी डी सी साइड आ जाएगी तो आप चाहे ये पूरी निकालें चाहे ये निकालें। तो पहला काम हमारा डी सी फाइंड करना है, जब डी सी आ जाएगा तो हम जो है इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगा के कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, हम इस पूरी हाइट को फाइंड कर लेंगे। जब इस पूरी हाइट यानी ए सी को फाइंड कर लेंगे, उसमें से क्या करना, बिल्डिंग कितनी बड़ी है 20 मीटर, उसको माइनस कर देंगे तो ये हमारी ए बी यानी टावर की हाइट आ जाएगी। तो अब देखिए सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल छोटा वाला कौन है, बी सी डी, हमने छोटा ट्रायंगल लिया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर फाइंड है और बेस निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 10 45 हमारा होता है 1, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 20 मीटर, और बेस कितना है DC। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC इक्वल्स टू हो जाएगा 20 मीटर। अब देखिए हमारा एक काम हो गया, यानी ये हाइट मिल गई हमें 20 मीटर। अब अगर ये 20 मीटर मिल गई तो क्या आप पूरी ये हाइट नहीं निकाल सकते हैं, आप पूरी हाइट निकाल लीजिए, उसमें से 20 घटा दीजिएगा आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला क्या नाम है, ए डी सी। अब इसमें जो है एंगल कौन सा लिया जाएगा, ये वाला एंगल लिया जाएगा क्योंकि ये पूरा एंगल बन रहा है। तो टेन, क्योंकि अब देखिए परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, बेस मालूम, यानी फिर परपेंडिकुलर और बेस है तो टेन वाला रेशियो लग जाएगा, टेन एंगल 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1060 होता है रूट थ्री, परपेंडिकुलर है यहाँ पर h प्लस 20 और बेस कितना है 20। तो इसको सॉल्व करके हम h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो h प्लस 20 हो जाएगा 20 रूट थ्री, तो 20 उधर ले आइए तो h इक्वल्स टू 20 रूट थ्री माइनस 20, अगर हम 20 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 20√3-1। इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इस सवाल में दे रखा है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टियल। मतलब एक स्टैचू है जो किस पर खड़ा हुआ है, एक पेडेस्टियल पर खड़ा हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक पेडेस्टियल है, इस पेडेस्टियल पर एक स्टैचू जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ये खड़ा हुआ है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब किसी पॉइंट से ग्राउंड पे हम जो एंगल ऑफ एलिवेशन नापेंगे वो ग्राउंड से नापेंगे, तो ग्राउंड से किसी पॉइंट पर इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टैचू के टॉप का वो कितना है 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टियल, तो ये चीज पेडेस्टियल है तो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। तो हमें फाइंड क्या करना है, सॉरी 30 नहीं है 45 डिग्री है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द
हाइट ऑफ पेडेस्टियल, तो इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं, यानी हाइट ऑफ पेडेस्टियल हमको फाइंड करनी है। तो अब देखिए हमने क्या किया, फेयर फिगर बना लिया है, ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये ए बी जो है यहाँ पर स्टैचू है, बी सी पेडेस्टियल है, और ये ऑब्जर्वर डी पॉइंट पे खड़ा है। तो इसके जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और पेडेस्टियल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, और ये जो स्टैचू है ये 1.6 मीटर है, और इसको हमने एच मान लिया। और अब देखिए इस टाइप के सवाल में हम करते क्या हैं, देखिए अभी हमको ये भी नहीं मालूम है, तो हमने क्या कर दिया, इसको अननोन वाले को एच मान लिया। तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम सबसे पहले किस साइड को निकालें, तो हमेशा ध्यान रखिए कि दो राइट एंगल ट्रायंगल्स अगर हैं तो उसमें हम कॉमन साइड को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम इसको लें और इस बड़े वाले ट्रायंगल को लें, तो हम ऐसी साइड को पकड़ेंगे, जैसे अगर मान लो हमने डी बी को पकड़ा, तो उसको पकड़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो कॉमन नहीं है, उससे हमारा कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हमारा निष्कर्ष किससे निकलेगा, डी सी को कुछ मानने से। तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, डी सी को जो है वो बेस मानने की कोशिश करते हैं, यानी डी सी को जो है हम मेन साइड मानेंगे, यानी पहले जो है डीसी को सॉल्व करेंगे। तो हम इसके लिए छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल डीबीसी। अब देखिए परपेंडिकुलर इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये कितना है 45, तो इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर मालूम है, और बेस हमको निकालना है, यानी फिर क्या लगेगा, टेन 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है 1, परपेंडिकुलर एच है और बेस जो है वो डीसी है। तो अब देखिए डीसी की वैल्यू हमारी आ गई, कितनी आ गई, एच। अब इसकी मदद से हम एक इक्वेशन फॉर्म करके एच की वैल्यू बाद में निकाल देंगे। तो अब देखते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें क्या है, इसमें परपेंडिकुलर ये है और ये हमें कॉमन मिल रहा है, यानी परपेंडिकुलर और बेस को फिर से लेना पड़ेगा, यानी बड़े वाले ट्रायंगल यानी इन ट्रायंगल डी ए सी, टेन फिर इसमें 60 डिग्री लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 60 होता है रूट थ्री, परपेंडिकुलर कितना है 1.6 प्लस एच, और बेस हमने फाइंड कर रखा है, बेस आ गया है, देखिए बेस एच निकाल दिया, तो अपॉन एच। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट थ्री एच इक्वल्स टू 1.6 प्लस, यहां पर 1 है तो 1 से रहेगा तो वो एक ही चीज रहेगी, यानी एच ही बना रहेगा। अब क्या करेंगे, एच की वैल्यू फाइंड करनी, तो एच इधर ले आओ, तो रूट थ्री एच माइनस एच इक्वल्स टू 1.6, तो अगर हम इधर h कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, रूट थ्री माइनस वन इक्वल्स टू 1.6, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन। तो हम रेशलाइज कर देंगे क्योंकि नीचे रूट थ्री रखना ठीक नहीं है, तो इसके लिए रूट थ्री प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब नीचे रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री प्लस वन, तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी थ्री माइनस वन, यानी ये 2 हो जाएगा, और 1.6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.8, यानी ये आ जाएगा 0.8, और ऊपर क्या होगा रूट थ्री प्लस वन, यानी हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई हमारी 0.8 प्लस रूट थ्री वन, रूट थ्री प्लस वन, यानी ये हमारी पेडेस्टियल की हाइट आ गई। इस सवाल में दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग है और दूसरा क्या है, टावर है। तो टावर ये मान लेते हैं टावर है और ये बिल्डिंग है, तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से, इसको फुट कहते हैं, फुट ऑफ द टावर कितना है, ये है, ये ग्राउंड है तो इसको भी मिला लेते हैं, तो ये एंगल जो है कितना दे रखा है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ये बिल्डिंग थी इसके फुट से कितना है, ये है 60 डिग्री। तो हमको क्या चाहिए, हमको हाइट ऑफ द बिल्डिंग चाहिए, तो हम मान लेते हैं इसकी कितनी हाइट है, एच है, तो फिलहाल हम फेयर फिगर बना लेते हैं, हमने टावर मान लिया, इस टावर की हाइट कितनी दे रखी है 50, तो ये चीज 50 हो गई। अब हमको चाहिए कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो इसकी एच मान लेते हैं, यहां पर नाम भी लिख लो, ये बिल्डिंग है, ये चीज टावर है, मेंशन कर लेते हैं, है ना। तो हमको बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है इस केस में, और दोनों केस में एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे टावर जो है वो ए बी है
और यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो ए बी है और टावर जो है वो सी डी है, यानी बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि दो ट्राइंगल हैं, तो अब हम फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे, यानी हम सबसे पहले जो हमारा टारगेट रहेगा वो दोनों में कॉमन साइड को निकालने का रहेगा, जिसकी मदद से हम एक जो गिवन साइड होगी उसकी मदद से कॉमन साइड निकल आएगी और फिर जो अननोन साइड होती है वो इस कॉमन साइड की हेल्प से निकल आएगी। तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, तो इसमें गिवन ये साइड है, तो पहले हमें इस गिवन साइड से हम ये कॉमन साइड फाइंड कर लेंगे, जब हमारी ये कॉमन साइड आ जाएगी तो हम इस साइड को फाइंड कर लेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल बी सी डी, अब देखिए मालूम क्या है, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकालना है, यानी फिर वही रेशियो, यानी टेन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे 50 है और बेस जो है वो बी डी है, तो टेन 60 होता है रूट थ्री, यानी रूट थ्री इक्वल्स टू 50 अपॉन बी डी, यानी क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये रूट थ्री बी डी, रूट थ्री बी डी इक्वल्स टू 50, यानी बी डी इक्वल्स टू 50 अपॉन रूट थ्री, रेसलाइज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 50 रूट थ्री अपॉन 3, ये हमारा बी डी आ जाएगा, यानी कॉमन साइड हमने निकाल ली, कितनी आ गई 50 रूट थ्री अपॉन 3। अब ये साइड मालूम है, ये साइड निकाल लीजिए, तो आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें लगा दीजिए वही रेशियो, तो इन ट्रायंगल ए बी डी टेन, इसमें कौन सा रेशियो लगेगा, ये 30, टेन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन 30 होता है 1 अपॉन रूट थ्री, परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, एच है, ये एच है और बेस 50 रूट थ्री अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एच रूट थ्री इक्वल्स टू 50 रूट थ्री अपॉन 3, तो ये रूट थ्री कहाँ जाएगा, नहीं, यह रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो h इक्वल्स टू क्या आ गया 50 अपॉन 3, या है इसको लिख दीजिए 16 सही 2/3, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग जो हमारी आ गई वो 16 सही 2/3 मीटर आ जाएगी। तो इस टाइप से हम सवाल को सॉल्व कर लें। इस सवाल में दे रखा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, तो हम मान लेते हैं ये कोई रोड है और इस रोड के दोनों तरफ बराबर बराबर कोई पोल, ये मान लेते हैं कि पोल ए बी है, दूसरा पोल मान लेते हैं सी डी है, ये दोनों पोल जो है रोड, ये रोड है हमारी, रोड के दोनों साइड खड़े हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड, यानी रोड जो है वो 80 मीटर दे रखी है। फिर क्या कहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब पॉइंट जो है कोई रोड पे है, यानी ये रोड था, इस रोड के पॉइंट है, यानी बीचों बीच में नहीं है, बीचों बीच में अगर होता तो देखिए इसलिए नहीं है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, तो अगर ये बीच में होता तो ये एंगल बराबर होते, ये एंगल अलग अलग हैं, इसलिए हम पक्का समझ रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये बीच में नहीं है, तो हम फिलहाल इसके करीब बना लेते हैं, ये मान लो पॉइंट पी हो गया, तो इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पॉइंट ओ हो गया, तो इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 और 30 है, तो अब किसको 60 मानेंगे, तो देखिए जिसके करीब रहें आप, तो हम इसके करीब हैं तो इसको 60 मानिएगा और जिससे दूर हैं इसको 30 मानिएगा, तो हमको करना क्या है, हमको हाइट ऑफ पोल निकालनी है दोनों ही केस में, तो हम h मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले फेयर फिगर बना लेते हैं, तो ये 80 हो गई, आपकी रोड हो गई, ये पोल हो गया, ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमको क्या करना है, पोल की हाइट निकालनी है, तो हम पोल की हाइट को h मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को अगर हम x मान लें तो ये कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x। तो अब सबसे पहले इस ट्रायंगल में एक रिलेशन लगा दीजिए, इससे हमें h और x में एक रिलेशन मिल जाएगा, ऐसे ही जब दोनों की हाइट सेम है तो ये भी जो है हमारा कितना है, ये भी हमारा h है, अब दोनों की हाइट सेम है तो इसकी भी हाइट कितनी है, h है, तो अब पहले इस ट्रायंगल में रिलेशन और इसमें रिलेशन निकाल के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इक्वेशन बन जाएगी और आप सॉल्व कर लेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर लगाएं तो प्रयास ये रहना चाहिए छोटे ट्रायंगल को पहले लीजिए, तो हम छोटे ट्रायंगल को लेते हैं, तो यहाँ पर जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, छोटे ट्रायंगल का मतलब यह है कि जिसमें झमेला कम हो, झमेला कम हो यानी इसमें झमेला कम है, इसमें थोड़ा झमेला ज़्यादा है,
तो छोटे वाले को पहले पकड़िए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इसको क्या माना था हमने, पी माना था, पी है ए बी पी, तो परपेंडिकुलर और बेस का खेल है पूरा। तो कौन सा रेशियो लगेगा, टेन 60 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 60 होता है रूट थ्री, परपेंडिकुलर है एच, बेस है एक्स, तो एच इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स आ गया। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल सी पी डी, सी पी डी इसमें लगाइए टेन 30, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस का है तो टेन 30 लगा, तो टेन 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर है एच और बेस कितना है यहाँ पर 80 माइनस एक्स। तो अब देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू एक्स की चाहिए, एक्स की चाहिए, तो हमारे लिए डिस्टर्ब कौन कर रहा है, एच डिस्टर्ब कर रहा है। हम इसको फर्स्ट मान के पुटिंग वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 1/√3 इक्वल्स टू एच की वैल्यू आ गई रूट थ्री एक्स अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, तो x इधर लाएंगे तो क्या हो गया 4x इक्वल्स टू 80, यानी x इक्वल्स टू हो गया 20, तो यानी ये दूरी कितनी होगी 20 होगी और ये दूरी कितनी होगी 60 होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है वो पहले वाले पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और दूसरे वाले पोल से 80-20 यानी 60 मीटर सॉरी मीटर की दूरी पर है। तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा हैंस द हाइट ऑफ पोल इज 20√3 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द पॉइंट इज 20 मीटर एंड 60 मीटर। हमें लगता है हाइट ऑफ पोल भी निकालनी है, तो हाइट ऑफ पोल भी आ जाएगी। हाइट ऑफ पोल निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब रखेंगे बाई फर्स्ट, तो एच कितना है, एच है रूट थ्री एक्स, यानी रूट थ्री और एक्स की वैल्यू 20, यानी हाइट कितनी आ गई 20√3 मीटर, यानी इसीलिए इन्होंने हाइट ऑफ पोल भी लिखा है, हाइट ऑफ पोल भी इस सवाल में पूछी गई थी। तो इस टाइप से हम इस सवाल को करते हैं, आपको क्वेश्चन 1-10 समझ में आ गए होंगे, बाकी 11-16 क्वेश्चंस हमारे इसी वीडियो के पार्ट नंबर 2 में आपको मिलेंगे।